नमस्कार दोस्तों, शादी की रस्में जब भी होती हैं या किसी भी कोई भी लड़का या लड़की एक रिश्ते में बनने वाले होते हैं तो कई रस्में शुरू हो जाती हैं। उसमें से एक रस्म होती है सगाई की रस्म। सगाई की रस्म में हम सभी जानते हैं कि बाएं हाथ की चौथी उंगली यानी कि रिंग फिंगर में ही लड़का लड़की को अंगूठी पहनाता है और लड़की लड़के को अंगूठी पहनाते हैं। लेकिन अंगूठी इसी उंगली में और बाएं हाथ में ही क्यों पहनाते हैं, जानिए इस वीडियो के द्वारा। वैसे देखा जाए तो ये परंपरा एक कपल ने शुरू की थी और ये कपल बहुत ज्यादा एक समारोह के दौरान पर एक लड़के ने अपनी वाइफ को यह रिंग चौथी उंगली में पहनाई थी और उसका ये कहना था कि चौथी उंगली उसके पूरे दिल तक जाती है और अपने रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत आत्मविश्वासी बनाने के लिए यह चौथी उंगली चुनी गई है। जब भी कोई लड़का लड़की के हाथ में रिंग पहनाता है तो समझ लीजिए कि वह अपनी तस्वीर उसके दिल में बना रहा है और इसीलिए चौथी उंगली में ही लड़का अंगूठी पहनाता है और वही बात लड़की पर भी लागू होती है। जब भी सगाई होती है, सगाई के दौरान पर रिंग बदलना जरूरी होता है ताकि आप एक दूसरे की छाप या फिर चिन्ह बना सकें कि आप उसके हो चुके हैं और आप अपनी जिंदगी में नए पड़ाव पर तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। तो इसीलिए इस रस्म में यानी कि सगाई की रस्म में बाएं हाथ की चौथी उंगली में ही अंगूठी पहनाई जाती है। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।